हेलो एवरीवन आज के क्लास में हम क्लियर करेंगे डाउट्स पिछले जो मैंने क्लासेस लिए हैं उन क्लासेस में मैंने अकाउंटेंसी का सैम्पल पेपर किया था क्लास एलेवन सैम्पल पेपर अकाउंटेंसी ओके जिसमें मैंने अलग अलग क्वेश्चंस को डिस्कस किया था साथ में आंसर को लेकिन बहुत ही शॉर्ट वे में मैंने वो डिस्कशन कम्प्लीट किया तो जबकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि ये जो डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है उस क्वेश्चन में कुछ डाउट्स है तो आज के क्लास में पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन को हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे चलिए समझते हैं कि कौन सा एंट्री कैसे देना है जैसे कि पहले लाइन में लिखा है प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक हैविंग कैश एंड बैंक कॉलम्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स तो पता चल गया कि हमें डबल कॉलम कैश बुक बनाना है सो so, हम डबल कॉलम कैशबुक के फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो डेट पर्टिकुलर्स देन एक एल एफ़ का कोटा रखना पड़ता है या यहाँ पर वी एन लिखा है तो वाउचर नंबर भी दे सकते हैं ठीक है इसमें एल एफ भी रखने से होता है देन कैश देन बैंक कैश और बैंक का कॉलम रखना है सॉरी एल एफ नहीं वह जे एफ होगा तो फिर डेट uh, पर्टिकुलर्स फिर वी एन या फिर जे एफ लिख सकते हो देन कैश बैंक ओके वी एन मीन्स वाउचर नंबर एंड जे एफ देने से जर्नल फोलियो ओके सो ये हमें पता चल गया कि फॉर्मेट कैसे होता है तो फॉर्मेट हम रेडी कर चुके है, फिर हैं फिर आगे बढ़ते हैं फिर फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी बैलेंस प्रोवाइडेड है कैश इन हैंड रुपीस एटीन थाउजेंड बैंक ओवर ड्राफ्ट रुपीस एट थाउजेंड कैश हमारे पास अठारह हज़ार है और बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है एट थाउजेंड सो कैश के अठारह हज़ार बैलेंस देखो हमने लेफ़्ट साइड यानी कि डेबिट साइड में एंट्री कर दिया टू बैलेंस बी डी कैश कॉलम में अठारह हज़ार और क्योंकि बैंक का बैलेंस नॉर्मली हमारे पास था नहीं वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस था तो उसको हमने क्रेडिट साइड में मेंशन किया बाय बैलेंस बी डी बोल के डेट वही है सेम टू सेम ठीक है यहाँ ईयर को थोड़ा तुम कंसिडर कर लो टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और आंसर में फिफ्टीन लिखा है तो दोनों में से कोई एक मान के चलो क्वेश्चन के हिसाब से ही चलते हैं तो जहाँ जहाँ फिफ्टीन लिखा है वहाँ तुम ट्वेंटी मान लेना सो कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस दो साइड में लिखने का रीजन पता चल गया क्योंकि बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है दैट्स वाई वी हैव मैं इन क्रेडिट साइड ओके आगे बढ़ते हैं फिफ्थ जून फिफ्थ जून में है गुड्स कॉस्टिंग ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सोल्ड एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट तो ट्वेंटी फाइव परसेंट गुड्स कॉस्टिंग है कॉस्ट रेट उसमें ट्रेड डिस्काउंट है ट्वेंटी परसेंट तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट कितना होता है और हम कैसे करेंगे कैलकुलेशन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू ट्वेंटी बाई हंड्रेड राइट सो हंड्रेड का दो ज़ीरो और ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का दो ज़ीरो कट हो जाएगा फिर है ट्वेंटी फाइव इंटू टू हो जाएगा फिफ्टी और इधर से ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में है एक ज़ीरो और ट्वेंटी का एक ज़ीरो दो ज़ीरो लगा दिया तो फिफ्टी के साथ दो ज़ीरो लगाते हैं तो कितना हो गया फाइव थाउजेंड राइट सो ट्रेड डिस्काउंट अगर हमने फाइव फाइव थाउजेंड दे दिया तो हमारे पास और बैलेंस कितना बचता है ट्वेंटी थाउजेंड तो देखो इसका एंट्री हम कैसे दे रहे हैं फिफ्थ जनवरी तुम देखो डेबिट साइड में टू सेल्स हमने बीस हजार लिखा वही पच्चीस हजार माइनस फाइव थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड क्लियर सो यह फिर से समझो फिफ्थ जून बोला है गुड्स कॉस्टिंग ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सोल्ड एटे ट्रेड डिस्काउंट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का सामान था उसको हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया ट्वेंटी परसेंट मतलब फाइव थाउजेंड का डिस्काउंट तो हमने बेचा कितने में ट्वेंटी थाउजेंड में और बेचने की एंट्री हम डेबिट साइड में करते हैं सो दैट डेबिट साइड में देखो फिफ्थ जून टू सेल्स ट्वेंटी थाउजेंड लिखा हुआ है क्लियर नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद है नाइन्थ जनवरी नाइन्थ जनवरी में है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड कैश जमा किया है हमने बैंक में पंद्रह हज़ार तो ऑब्वियसली एक एंट्री है कैश से पैसे उठाएंगे और बैंक में जमा करेंगे तो देखो क्रेडिट साइड में देखो नाइन्थ जनवरी बाय बैंक अकाउंट लिख के कैश कॉलम में फिफ्टीन थाउजेंड लिखा गया दैट मीन्स इस साइड से हम विड्रॉ कर रहे हैं ऑलवेज रिमेम्बर दैट कैश बुक में क्रेडिट साइड पेमेंट साइड है और डेबिट साइड रिसीव साइड है ओके okay? तो हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं बैंक को क्योंकि बैंक में डिपॉजिट किया है ना तो कैश से पैसे उठाएंगे तो उठाने का एंट्री यहाँ क्रेडिट साइड में नाइन जनवरी बाय बैंक अकाउंट फिफ्टीन थाउजेंड ओके सो यहाँ से हमने कैश उठाया कॉन्ट्रा एंट्री है सो दैट हमने वाउचर नंबर में आ, वो कॉलम में हमने सी मेंशन किया फिर देखो लेफ्ट साइड डेबिट साइड में आओ फिर नाइन जनवरी टू कैश अकाउंट लिखा हुआ है और बैंक में पंद्रह हजार तो उधर हमने कैश से पैसे उठाए और इधर बैंक में पंद्रह हजार रुपए डिपॉजिट कर दिए ये हुआ हमारा कैश को बैंक में डिपॉजिट करने का एंट्री तो ये एंट्री खत्म हुआ नाइन जनवरी का फिर देखते हैं टेंथ जनवरी दीपक फिफ्टीन थाउजेंड का सामान दीपक को बेचा गया एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया तो फिफ्टीन थाउजेंड का ट्वेंटी फाइव परसेंट कितना होता है वो हम फाइंड आउट करते हैं फिफ्टीन थाउजेंड इंटू ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड टू जीरो टू जीरो कट अब ट्वेंटी फाइव इंटू फिफ्टीन करना पड़ेगा फिर एक जो भी आंसर आएगा उसके साथ एक जीरो लगा देंगे देन वी विल गेट आवर आंसर सो कैलकुलेशन करते हैं वेट 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 ऐट यहाँ पर दीपक का नाम मेंशन है ना तो जिसको बेचा है अगर उसका नाम मेंशन है दैट मीन्स हमें पैसे मिले ही नहीं राइट right? इसीलिए तो नाम लिख के रखा है तो ये एंट्री आएगा ही नहीं अगर कैश मिल ही नहीं रहे तो कैश बुक में कैसा एंट्री चलो तो फिर हमें पता चल गया कि टेन जनवरी का एंट्री आएगा ही नहीं अब चलते हैं फिफ्टीन जनवरी में रिसीवड ए चैक ऑफ रुपीज नाइन थाउजेंड फ्रॉम दीपक अब दीपक से हमने एक नाइन थाउजेंड का चेक लिया है वो भी फिफ्टीन जनवरी में और सेवनटीन जनवरी में बताया जा रहा है चेक चेक बैंक जो हमें मिला है वो हमने बैंक में जमा कर दिए हैं तो फिफ्टीन और सेवनटीन जनवरी दोनों रिलेटेड है याद रखना अब इनके एंट्रीज देते हैं देखो फिफ्टीन जनवरी में हमें सिर्फ चेक मिला है ठीक है और कुछ नहीं तो उसका कोई एंट्री आएगा नहीं क्योंकि तब तक कोई कैश अमाउंट हमें नहीं मिला वो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा था सेवनटीन जनवरी को हमने वही जो चेक हमें मिला था वो हमने जमा किया है तो सेवनटीन जनवरी डेबिट साइड में देखो टू चेक इन हैंड जो हमारे पास था वो जमा किया तो बैंक में हमारे नौ हज़ार रुपये आ गए क्योंकि चेक में नौ हज़ार ही लिखा था सो so, फिफ्टीन और सेवनटीन जनवरी दोनों रिलेटेड है किंतु फिफ्टीन जनवरी का एंट्री नहीं आएगा समझ में आएगा तो सेवनटीन का आया क्योंकि सेवनटीन को हमने वो चेक जमा दिया था नेक्स्ट देखते हैं वो है ट्वेंटी जनवरी ट्वेंटी जनवरी को क्या हुआ दीपक चेक वॉज डिजोनर्ड चेक डिजोनर्ड हो गया बैंक बैंक द्वारा एंड बैंक, बैंक चार्ज रुपीज टू हंड्रेड एज बैंक चार्ज दैट मीन्स बैंक ने चेक डिजोनर्ड कर दिया दीपक का साथ ही साथ दो सौ रुपये का चार्ज भी लगाया तो अब देखो ट्वेंटी जनवरी क्रेडिट साइड में बाई दीपक अकाउंट उसमें क्या लिखा गया है नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन थाउजेंड जो चेक का अमाउंट था और साथ में दो सौ रुपये वो जो चार्ज लगाएगा लगाया गया बैंक की तरफ से तो पहले हमने सेवनटीन जनवरी में नाइन थाउजेंड डेबिट साइड में एंट्री किया था अब देखो क्रेडिट साइड में भी नाइन थाउजेंड आ गया तो दोनों नाइन थाउजेंड तो वेनिश हो गया लेकिन एक्स्ट्रा में चार्ज देना पड़ेगा टू हंड्रेड तो एक्स्ट्रा टू हंड्रेड अभी भी शो करेगा क्लियर सो so नेक्स्ट देखते हैं ट्वेंटी टू जनवरी यह बोला गया विद्रो टू थाउजेंड फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज सो टू थाउजेंड हो गया ड्राइंग्स क्योंकि पर्सनल यूज बोला है एंड थ्री थाउजेंड फॉर ऑफिस यूज तो थ्री थाउजेंड हुआ ऑफिस के काम के लिए जो कि हम बिजनेस में शो करेंगे ऑफिस के नाम के हिसाब से सो थ्री थाउजेंड ऑफिस के काम के लिए विड्रॉ किया ना दैट मीन बैंक से विड्रॉ करके कैश में लेके आए ये थ्री थाउजेंड का हो जाएगा कॉन्ट्रेंट्री और 2000 का सिर्फ ड्रॉइंग्स एंट्री होगा ठीक है एक ही एंट्री सो so आप देख सकते हैं ट्वेंटी टू जनवरी का डेट है तो इस हिसाब से यह देखो डेबिट साइड में देखो टू बैंक अकाउंट कैश में देखो थ्री थाउजेंड लिखा हुआ है दैट मीन्स बैंक से हमने थ्री थाउजेंड उठाया और क्रेडिट साइड में देखो ट्वेंटी टू जनवरी बाई कैश अकाउंट बैंक में हमने थ्री थाउजेंड लिख दिया ठीक है तो इधर हमने आ, इधर देखो बाई कैश ट्वेंटी टू जनवरी बैंक में थ्री थाउजेंड लिखा है राइट तो इधर हमने बैंक से पैसे उठाए थ्री थाउजेंड और उधर डेबिट साइड में हमने कैश में जमा कर दिया थ्री थाउजेंड यानी कि बैंक का अमाउंट को हमने कैश में कैश में कन्वर्ट कर दिया ऑफिस के काम के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ राइट साइड में ट्वेंटी टू जनवरी बाई कैश अकाउंट जो लिखा है और अमाउंट के कॉलम बैंक में थ्री थाउजेंड लिखा है इसका मतलब है कि बैंक से हम तीन हजार रुपए विड्रॉ कर रहे हैं और डेबिट साइड में ट्वेंटी टू जनवरी टू बैंक अकाउंट कैश में थ्री थाउजेंड लिखा है मतलब वही थ्री थाउजेंड जो बैंक से विड्रॉ किया था वो यहाँ कैश में जमा कर रहे हैं तो ये हो गया एंट्री एक और इंफॉर्मेशन था ड्रॉइंग्स का तो वही देखो ट्वेंटी टू जनवरी क्रेडिट साइड में बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट बैंक कॉलम में टू थाउजेंड लिखा हुआ है तो ये हमने ड्राइंग्स किया खुद के पर्सनल यूज के लिए पैसा उठाया क्लियर देख लेते लास्ट एंट्री थर्टी जनवरी डिपॉजिटेड विद बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग रुपीज फाइव थाउजेंड कैश इन हैंड यानी कि कैश में फाइव थाउजेंड रख के बाकी सारा पैसा हमें भेज देना है बैंक पे कहा भेजना है बैंक पे तो थर्टी जनवरी का एंट्री देखो थर्टी जनवरी हाँ उस हिसाब से हम सारा कैलकुलेशन करेंगे और शो करेंगे लास्ट डेट थर्टी फर्स्ट थर्टी फर्स्ट में क्या हो रहा है हम बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से हमारा बैलेंस होता है ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड जिसमें से हम फाइव थाउजेंड अपने पास रखेंगे जो कि तुम देख सकते हो बैलेंस सी डी बाई बैलेंस सी डी थर्टी फर्स्ट जनवरी लास्ट एंट्री क्रेडिट साइड में जहाँ पर फाइव थाउजेंड रखा गया तो छब्बीस हज़ार बैलेंसिंग फिगर आया जिसमें से फाइव थाउजेंड हमने बैलेंस सीडी में रखा क्योंकि बोला गया कैश में फाइव थाउजेंड रखो बाकी सब ट्रांसफर कर दो बैंक में तो इसके ऊपर वाले एंट्री में सेम देखो थर्टी फर्स्ट जनवरी लिखा है बाई बैंक छब्बीस हज़ार से पाँच हज़ार हमने रख दिया तो और कितने रहे इक्कीस हज़ार ट्वेंटी वन थाउजेंड सो ट्वेंटी वन थाउजेंड को हम क्या करेंगे शिफ्ट कर देंगे यहाँ से कैश से उठा के बैंक में जमा कर देंगे सो so, बैंक में जमा होने के लिए डेबिट साइड में देखो थर्टी फर्स्ट जनवरी टू कैश अकाउंट और बैंक में देखो जमा हो गया इक्कीस हजार बैंक में कितना जमा हो गया बैंक में जमा हो गया इक्कीस हजार जो कैश से हमने विड्रॉ कर किया था ठीक है पाँच हजार का बैलेंस मेंटेन करने के लिए तो ये हो गया हमारा एंट्री और बैलेंस सीडी का एंट्री भी फाइव थाउजेंड मिल चुका है तो ये तो सिर्फ कैश का किया है अभी बैंक का करेंगे तो बैंक का डेबिट साइड टोटल करके क्रेडिट साइड माइनस करेंगे तो देन वी विल गेट ओके ट्वेंटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड सो फाइनली हमने सारा एंट्रीज खत्म कर लिया तो अब लास्ट uh, में हमें बस टोटल फाइंड आउट करना है टोटल है मुझे लगता है कि ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा फिर भी कहीं भी डाउट हो तो तुरंत पूछिए या फिर इस क्वेश्चन से ना हो कि दूसरे किसी क्वेश्चन से डाउट है तो भी आप पूछ सकते हो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आई एल प्रोवाइड क्लियर नॉट सो टिल देन हैप्पी रीडिंग कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग दिस इज मिस्टर शुप्रिया साइनिंग ऑफ